ऑल लव यू. हमें इतना अच्छा कोई लग रहा है ना कि वो जो एक हम चाहते थे कोई शर्जीना को जाके कंफर्ट करे, exactly. उसे प्यार से हक करे और बात करे. लिटरली वो जो सीन है ना जिसमें आप उसको हक कर रही हैं, उसे प्यार कर रही हैं, उसको समझा रही हैं, मेरी आंख में आंसू आ गए. मैं ऐसे करके आई लाइक दिस इज सो नाइस, यू नो. वो हमारे दिल की भी बात, हाँ दिल की भी बात, एंड ऑल्सो टू फील दैट यू नो शी इज बीइंग कंफर्टेड बाय यू. और आपकी परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस, माशाल्लाह से. थैंक यू सो मच. और जितने देखने वाले, जितने कमेंट्स आए मेरे पास, मैं सबका बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ कि उन्होंने अप्रिशिएट किया, एंड दैट मेड माय डे. तो उसमें कोई सीन में इंटरेस्टिंग बात है बता सकती हैं, कैसे शूट हुआ पूरा हॉस्पिटल का सीन? हॉस्पिटल का सीन अच्छा शूट हुआ, कोई इतनी इंटरेस्टिंग वैसी बात नहीं थी, बस काम काम और बस काम. देखिए मज़े की बात जो मैंने नोटिस की, फहद मुस्तफ़ा, इनसे मैं पहली दफ़ा मिली. ओके. तो ये जब आए हॉस्पिटल में तो अच्छा उस वक्त पहली दफा मिली थी, वो पहला सीन था, वो पहला नहीं, और इससे पहले नहीं, इससे पहले डिनर पे था. ओके. उन्होंने जब वो घर पे आते हैं, घर पे आते हैं शादी के बाद खाना जब अब्बा सुना देते हैं, हाँ वहाँ पे. अच्छा हाँ मैं वहाँ से लेती हूँ. तो वहाँ जब हम मैंने उनको देखा ना, तो ही वॉज लाइक जो अब मैं देख रही हूँ ना, जब ये लूजर और लाववाली सा था, तो ही वॉज एक्चुअली ऑफ स्क्रीन भी वो ऐसे ही बिहेव कर रहे थे. ओके. तो मैंने कहा क्या है, कैसे है, क्या कर रहे हैं. अब तो जब मैंने वो शूटिंग देखी और मैंने सीरियल देखी, तो आई वॉज सो इम्प्रेस्ड बाय हिम दैट इन हिज ऑफ स्क्रीन सीन्स ऑल्सो, जो हम लोग से बैठ के बात कर रहे हैं कुछ, वो वैसे ही थे. बिल्कुल डाउन टू अर्थ, वैसे यूं जैसे लव वाली सा, जैसे वो उसमें ही वॉज लिविंग इन दैट रोल, विच इज रिमार्केबल. पता आप सीन खत्म होता है, नॉर्मल हो जाते हैं, राइट? आप नॉर्मल बात करते हैं, वो वैसे क्या है, तो ये करो, क्या हो रहा है ये. सो लाइक मैंने कहा दिस इज रियल एक्टर. तो जो लेकिन जो वो सीन है जिसमें हानिया रोती हैं, वो शर्जीना आपको पकड़ती है और बोलती है कि नहीं करें, क्या कह रही हैं आप, तो क्या डिसाइड किया था ऐसे होगा, इस तरह शूट करेंगे, या बस यू गाइस जस्ट वेंट इनटू इट? एंड बदर जो भी की जो डायरेक्टर हैं बदर साहब, उनकी मैंने एक और भी किया था उनके साथ काम, इसमें मैंने ज़्यादा क्लोजली उनको देखा, उनके काम को देखा. यार वो जो है ना, वो आपको छोड़ देते हैं. अच्छा. ही गिव्स यू अ फील टू प्ले के करें. ओके. अब उनको ये पता था कि भाई ये माँ बेटी का सीन है जिसमें शी लॉस्ट हर चाइल्ड, तो इसमें डायलॉग्स लिखे नहीं जाते. क्या लिखे हुए बिल्कुल प्रिसाइज आप नहीं बोल सकते. इतने जज्बात होते हैं, फील कर सकते हैं, और जो आपके मुंह में आ रहा है आप उस वक्त बोले. ऑफकोर्स कोई स्टूपिड बात नहीं करें, इतना तो एक्टर को पता होता है. इट वॉज सेकेंड टेक में खत्म. आपने कभी नहीं दोबारा सोचा दोबारा शादी का? मैं अक्सर देखती हूँ कि ख्वातीन जो हैं वो दूसरी शादी नहीं करती हैं, यू नो, अगर डाइवोर्स हो जाए या विडो हो जाए. क्या ये बिकॉज यू आर सो यूज्ड टू दैट रिलेशनशिप, क्या उस रिलेशनशिप से निकल नहीं पाते हैं, गिल्ट फील होती है, या जिंदगी इतनी सेट गुजर रही होती है, इतनी बिजी होती है कि उसका कंपेनियनशिप की ज़रूरत महसूस नहीं होती? इफ़ यू वुड लाइक टू आंसर, इफ़ यू नॉट कंप्लीटली ओके, व्हाई नॉट, आई वुड लव टू आंसर. It depends on person to person. Yeah. You know, if a woman is a widow and she come across the right person, I think she should. Okay. Right? It's all about the right person. Hmm. फिर दूसरा है कि बंदा सोचता है यार बच्चों के साथ एक स्ट्रेंजर आप घर में ला रहे हैं, आपका पूरा माहौल जो है वो अब हम जैसे पांचों एक पलंग पे बैठे हुए हैं, गुत्तम गुत्ता हो रही है, हंसी मजाक हो रहा है, ये हो रहा है. अब एक स्ट्रेंजर आपके कमरे में आता है तो क्या होगा, बच्चे डिस्पर्स हो जाएंगे, यू नो, इट्स नेचुरल, यू नो. तो वो मैं बहुत इंजॉय करती हूँ, यू नो, आई माई सेल्फ विद द किड्स एंड ग्रैंड किड्स. फिर मुझे ये होगा कि उसके भी बच्चों को लुक आफ्टर करो, इफ़ यू कैन हैंडल फाइन, यू नो, बट इट्स अ टॉल ऑर्डर. मुझे ये मैं सोच भी रही थी, ये मेरा सवाल भी था, और आपने भी जैसे मेंशन किया, ये कितनी एक इंटरेस्टिंग बात है, फैक्ट है ये कि औरत जब माँ बनती है या औरत एक माँ के रोल में, उसकी अपनी हर चीज़ पीछे चली जाती है. Of course. बच्चे, बच्चों की खुशी होना भी ऐसे ही चाहिए.
हर चीज को ओवर पावर कर लेते हैं ना, वो प्रायोरिटी होती है और वो उसका शिकवा भी नहीं करती, उसको कोई उससे वो भी नहीं है, वो उसकी जिंदगी का एक मकसद होता है। बट कभी मैं सोचती हूँ थोड़ा सैड बात भी नहीं है कि मतलब हम जो खवातीन हैं वो जो औरतें हैं वो अपनी चीज को पीछे रख के, ये नेचुरल है। ये आप बच्चे ने आपसे नहीं कहा कि हमें दुनिया में लेकर आए, आप अपनी खुशी से बच्चे को लेकर आए, अलग ही देन है, आपकी फीलिंग्स ही चेंज हो जाती हैं। मैंने तो यही देखा है कि जैसे ही बच्चा आपके पास आता है आपको दुनिया नजर ही नहीं आती कि उसके बाहर भी कुछ हो रहा हो, फिर आपका एक डिप्रेशन भी चल रहा होता है, यू नो पोस्ट डिप्रेशन होता है, लॉट्स ऑफ हार्मोनियल चेंजेस आती हैं। बट मैंने औरतें ऐसी भी देखी हैं जो आफ्टर 40 days या 3 महीने के बाद काम पे भी चली जाती हैं, दे हैव देयर ओन लाइफ, व्हाई नॉट। बिल्कुल। एक मैं कल पढ़ रही थी कि डू यू थिंक इसमें कहीं ट्रुथ है कि अक्सर मदर्स जो होती हैं उनके अंदर रिजेंटमेंट होती है फॉर द वेरी पीपल दैट दे लव सो मच, बिकॉज मदरहुड बहुत दफ़ा क्या मुझे लगता है हमेशा, जैसे आई डोंट थिंक मैं अपनी मम्मी को उतना अप्रिशिएट करती हूँ जितना करना चाहिए, यू नो अप्रिशिएट नहीं करते हैं हम उनकी, इट्स अ थैंकलेस जॉब, यू नो। नो इट्स नॉट अ थैंकलेस, यू डोंट एग्री विद इट, इट्स नॉट अ ब्यूटीफुल फीलिंग। दूसरी बात ये बच्चे करते हैं भाई, हमने अपने मम्मी पापा के साथ नहीं ऐसे किया, इट्स अ साइकिल, लाइफ साइकिल। क्या है अम्मी आप बस अरे बेटा मेरे पास बैठ जाओ, अम्मी काम करूँ आपके पास बैठूँ क्या, दैट व्हाट द किड्स डू विद अस। मैं तो जब ये बच्चे ऐसे करते मैं एकदम याद करती हूँ, हम लोग भी तो ऐसे ही थे। होता है सबके साथ होता है। फिर जब बच्चे थोड़ा से बड़े होते हैं, एज आती है, तब वो अपने माँ बाप की तरफ आते हैं दोबारा से, वो एक मिसाल है बड़े मजे की, घुटने पेट की तरफ मुड़ते हैं। There's a very interesting thing कि आप after certain age जब बच्चे 40-45 के होते हैं, they come back to the mother, क्योंकि शायद उनको सो खुद भी एहसास होना शुरू हो जाता है। Exactly. तो resentments तो I think अगर मियाँ बीवी में compatibility नहीं है, resentment होता है। तब आएगी कि what I'm doing here, why these kids, why, जब अंदर से you're not happy तो रिजेंटमेंट तो आएगी। एंड मदर्स का क्या एक चैलेंज है जिसको हम कभी समझते ही नहीं आपके ख्याल में, या हम अंडर एस्टिमेट करते हैं? फॉर ग्रांटेड, जैसे आपने कहा कि मदर्स तो हाँ कर रही हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, आप सफाई से लेके आप खाना पका रही हैं गर्मी के अंदर सब कुछ, दे हैव गॉट दैट माइंडसेट कि हाँ ये तो है बस, ये तो करना ही है, नहीं है, हाँ, तो, हाँ। लेकिन मैं बच्चों से, जो बच्चे जिनके पेरेंट्स के बच्चे बड़े हो गए, आई हैव टू बी वोकल, हमारे ये बच्चे वोकल नहीं है इतने ज्यादा समहाउ, जैसे लड़के रोने से घबराते हैं, ये इतना यहाँ पे वो है कि आई डोंट नो क्यों इमोशंस अपने नहीं दिखाते। लड़कों का रोना इज समथिंग वेरी नेचुरल, बिकॉज हम लोग ही बोलते रहते हैं ना मर्द रोता नहीं है, गलत है, तभी तो हार्ट अटैक्स मर्दों को ज्यादा होते हैं, बिकॉज दे कीप इनसाइड प्रेशर अंदर रखते हैं। जैसे औरतें बोलती रहती हैं घर में, बोलती रहती हैं ट्रा ट्रा, इसको मार उसको बोल मासी को बोल, इट्स अ वेरी गुड जिसे कहते हैं ना मेंटल एंड इमोशनल एक्सरसाइज है ये, आप रिलीज कर रहे हो तब स्ट्रेस करते हैं। मर्द क्या करता है, मर्द बेचारा कमा कर आता है बैठता है, होल्ड पूरा बीवी के हाथ में होता है और वो चुप चुप होता है। तो फिर वो अंदर ही अंदर ही वॉन्ट्स टू मेक द बैलेंस के घर स्मूथली चलता रहे, बस कोई वो ना हो, ऊपर नीचे ना हो। बट आई थिंक कि मर्द को एक्सप्रेस करना चाहिए, बात करनी चाहिए, और फिर वो बाप को देख देख के जो लड़का होता है जो बेटा होता है वो भी फिर वैसे ही होता है। सो इट्स वेरी गुड कि एक ओपन माहौल होना चाहिए, उसमें आप गलतियाँ भी करते हैं, बुरा भी बोलते हैं, अच्छा भी बोलते हैं, इट्स ओके। और बच्चों का भी ऐसे ही है, माँ बाप के सामने ऐसे क्यों बोला, तो ऐसे तो क्या हुआ, हम लोग के तो बाहर तो ऐसे ही होता है, बहस हो रही है बच्चों की और माँ बाप की हो रही है बहस, इसको आप रॉन्ग उसमें नहीं ले आ सकते कि बदतमीजी नहीं, बदतमीजी कर तुम्हारे सामने ये इतनी बुरी कैसे बोल रहा है, ही इज एक्सप्रेसिंग हिमसेल्फ,
तो उसमें आप थोड़ा टोक दें कि भाई आवाज़ नीची रखो है, बट दैट इज़ नॉट बदतमीजी, दैट इज डिस्कशंस. इफ़ यू कैन टेक इट देन इट्स ओके, अदरवाइज पेरेंट्स दे कांट टेक इट.